ट में कल एक जैकपॉट गुड पोजिशन मैंने कैरी फॉरवर्ड करवाई थी निफ्टी की उसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आज हो गया ऑलमोस्ट जो है प्राइस आपका डबल होता हुआ दिखा कल जो मैंने प्राइस पे रिकमेंड की थी वहां से कैपिटल जो है डबल हो गया तो जिन लोगों ने अभी तक भी फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया जल्दी से ज्वाइन कीजिए बिकॉज फ्री टेलीग्राम चैनल में ही आपको ऐसे जैकपॉट कॉल्स मिल जाते हैं इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंस फाइनेंस के बारे में सेक्टर में देखिए सेक्टर अगर गोल्ड लोन का राजा कोई हो वो है मुथुद तो यहां पे बहुत अच्छा उसके बाद यहां पे आज जो है स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया है अपसाइड। तो ये क्या, क्या नेक्स्ट लेवल्स बनेंगे शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए मंडे के लिए जो है इंटरडे में कैसे परफॉर्म कर सकती है कौन से लेवल्स पे आपको एंट्री करना है कौन से लेवल पे एग्जिट करना है पूरा डिटेल्स पे बताऊंगा आपको जो है यहाँ पे डीप डाउन टेक्निकल एनालिसिस करके आपको बताऊंगा लेवल्स कौन से निकल के आ रहे हैं इसके अलावा फाइव बेस्ट इंटरडे स्टॉक्स जो मंडे को आपको बेहतरीन तेजी मंदी जो भी आएगी मंडे को उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा तो क्या लेना है क्या बेचना है मंडे के लिए पूरा डिटेल्स में मैं डिस्कशन करूंगा इसके पहले कि मैं वीडियो को स्टार्ट करूं यहां पे जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को लाइक कीजिए एंड फिनोस्टैट स्टॉक ट्रेडर का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कीजिए एवरी ऑन द फ्री बेसिस यू गेट वन जैकपॉट कॉल देखिए निफ्टी का जो है कैरी फॉरवर्ड कराया था आप देख सकते हो निफ्टी फिफ्टीन थाउजेंड सेवन हंड्रेड का जो है यहाँ पे हम लोगों ने कैरी फॉरवर्ड कराया था इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आज ऑलमोस्ट डबल हो गया जो है आपका कैपिटल तो ऐसे बेहतरीन ट्रेड्स पाने के लिए आपको चैनल को जो है ज्वाइन करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन दे, में लिंक है एंड जिसको भी यहाँ पे प्रीमियम ग्रुप फिनोस्टैट का प्रीमियम ग्रुप भी है जहां पे आपको बेसिस पे आपको समझाया जाता है क्या लेना है क्या बेचना है पूरी कॉल है करते हैं 3199 इसका फी है, जिसको भी ज्वाइन करना है थ्री वन डबल नाइन फीस पे कीजिए नाइन एट जीरो फोर सेवन फाइव सेवन सिक्स डबल वन एक ही नंबर है फिनोस्टैट का व्हाट्सएप या टेलीग्राम में हाई हेलो भेज सकते हैं सेम नंबर आपका जीपे पेटीएम फोन पे पे भी है तो आप कहीं पे भी फीस पेमेंट कीजिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम में ऐसा स्क्रीनशॉट भेजिए देन हम लोग आपको ऐड कर देंगे प्रीमियम प्लस ग्रुप में जहां पे आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ कहां पे एंट्री करनी है कहां पे एग्जिट करना है देखिए हम लोग ओवर ट्रेडिंग नहीं करते हैं सिर्फ एक दो ट्रेड करते हैं उसमें ही अच्छा खासा प्रॉफिट्स हम लोगों का निकल जाता है आप देख सकते हो ये सारे जो है प्रीमियम क्लाइंट्स के स्क्रीनशॉट्स है आप देख सकते हो किसी का ग्यारह हजार बीस हजार पंद्रह हजार तो ऐसे डिसेंट डिसेंट जो है प्रॉफिट हम लोग बुक करते हैं प्रीमियम ग्रुप से तो अगर आपको रेगुलरली शेयर बाजार से अच्छा खासा मुनाफा बांधना है इक्विटी इंटरडे कॉल्स में निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस में इंटरडे करके अगर आपको अच्छा खासा पैसा रेगुलरली कमाना है जल्दी से संपर्क कीजिए डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है बात करेंगे मुथूट फाइनेंस के फंडामेंटल्स के बारे में देखिए हम सबको पता है इनवे सेक्टर से जो है कंपनी बिलोंग करती है गोल्ड लोन सेक्टर का राजा है मार्केट शेयर मार्केट शेयर अगर आपको बताओ तो 80 परसेंट से ऊपर का मार्केट शेयर लग चलती है मुथुत फाइनेंस इन द गोल्ड लोन सेक्टर तो यहाँ पे बात करेंगे मार्केट कैप के बारे में तो 41,667 करोड़ का मार्केट कैप है ईपीएस अगर आप देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर हंड्रेड का है

थ्री टाइम्स तो अभी सिर्फ 2.13 टाइम्स का प्राइस टू बुक रह गया है 488 का जो है इसका बुक वैल्यू है तो इसके हिसाब से 2.13 आज हालांकि थोड़ा बढ़ के आएगा बिकॉज स्टॉक जो है यहाँ पे इसका आज अच्छा खासा हाई लगाया स्टॉक ने एंड यहाँ पे मुथुल फाइनेंस को हम लोगों ने देखा 142 के लेवल्स पे बंद होते हुए तो कल के लिए जो आपको इंट्राडे ट्रेड मंडे के लिए देखिए ध्यान से सुनिए दीज आर द लेवल्स फॉर मंडे मैं आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म भी बताऊंगा वीडियो में बने रही सब आपको एक एक करके मिलेगा आपको बस पेशेंटली यहाँ पे जो है वीडियो को वॉच करते रहना है स्किप बिल्कुल मत कीजिए नहीं तो आपको ट्रेड सेटअप जो है समझ में नहीं आएगा मुथूट फाइनेंस आपको मंडे के लिए बाइक यहां पे करना है सेल मंडे आपको यहां पे सेल के लिए मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है बिकॉज यहां पे आज हम लोगों ने मार्केट में क्लियरली एक म्यूचुअल फंड डी आई आई बाइंग देखी एंड फॉरेनर्स भी थोड़े बहुत यहाँ पे एफ आई भी यहाँ पे बाइंग की है अदरवाइज मार्केट का जो है ट्रेंड बिल्कुल नेगेटिव आप निफ्टी को देख सकते हैं कैसे मैनिपुलेशन होता है मार्केट में एग्जैक्टली पंद्रह पांच सौ से लेके निफ्टी जो है डे हाई पे बंद होता है पंद्रह आठ सौ तक रीच करता है देन बंद होता है पंद्रह हजार सात सौ बावन पे तो ये होता है मैन्युपुलेशन मार्केट का इससे बच के रहिए जब भी आपको लगे कि प्राइस एक्शन आपके फेवर में नहीं है आपके फेवर में यहाँ पे होगा भी नहीं लेकिन जब भी आए जैसे मेरे को मंदी में इंटरेस्ट था मैंने कल मंदी करा के गई यहाँ पे जो है मेरे लेवल्स जो था यहाँ पे मैंने मंदी कराया कल के लेवल्स मैंने तब से आपको मंदी कराया जब निफ्टी कल पंद्रह हजार आठ सौ पचास के लेवल पे चल रहा हो जिसने भी टेलीग्राम फ्री ग्रुप भी ज्वाइन किया यहाँ पे फ्री चैनल भी जिसने ज्वाइन किया आपको यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्लियरली आपको जो है मंदी करा के मैं गया था कल के लेवल्स के लिए यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे जो है आपको क्लियरली मंदी करने के लिए बताया था आज तो मंदी जिसने यहाँ पे की है बहुत अच्छा आपका कैपिटल जो है डबल होता हुआ दिखा है उसके बाद तेजी भी आई निफ्टी में जो बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो गया एक चीज हो सकता है यहाँ पे जो है डोमेस्टिक बाइंग्स आई अच्छे स्टॉक्स श्ट्र, में हम लोगों ने देखा बजाज फाइनेंस जो है अच्छा खासा भागा रिलायंस अपने खबरों के चलते इसमें गिरावट आई ओ में आज अच्छा खासा पिटाई हुई ओ की एंड यहां पर हम लोग देखा बजाज फाइनेंस बजाज फेन्सअप सिप्ला सारे स्टॉक्स यहाँ पे भागे इसका मतलब क्वालिटी स्टॉक्स में आज बाइंग आई है प्लस डावजोस जो है नीचे से रिकवर हुआ अभी मंडे का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगा आज रात को डाउ कैसे परफॉर्म करती है उसके ऊपर एंड मंडे को जो है अमेरिकन इंडिपेंडेंस डे है तो उस दिन मार्केट्स बंद रहते हैं डावजोन्स बंद रहेंगे मंडे को तो बहुत ही ज्यादा एकदम कॉशियसली काम कीजिए मार्केट्स में मैं फिर से बोल रहा हूँ यहाँ पे आपको तेजी मंदी दोनों की मौके जो है मार्केट्स आपको दे रही है तो यहाँ पे पूरा फायदा उठाइए जब तेजी करना हो कीजिए जब मंदी करना हम लोगों ने कॉल ऑप्शन भी बाय किया उसमें भी प्रॉफिट बनाया लेकिन ओवरऑल मेरा जो व्यू है मार्केट में दैट इज नेगेटिव मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ मार्केट में व्यू मेरा नेगेटिव है लेवल्स आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के मिल जाएंगे मैं संडे को लाइव करता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस आपको मिल जाते हैं तो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा आप देख सकते हैं मैंने कल भी चैनल में जो है लाइव सेशन कंडक्ट की थी यहां पे चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा चैनल का मेंबर बनिए लाइव सेशन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव सेशन यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन यू वॉन्ट अबाउट एनी स्टॉक्स एनी चार्ट एनी इंडेक्स मैं आपको लाइव सेशन में ही उसका उत्तर देता हूं तो लाइव सेशन ज्वाइन करने के लिए पहले तो चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा तो चैनल को ज्वाइन कीजिए चैनल का मेंबर बनिए लाइव सेशन में आपको सवाल जवाब के मौके मिल जाएंगे तो यहां पे बात करते हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में देखिए मैं निफ्टी बैंक निफ्टी का जो पूरा प्रॉपर एनालिसिस है मंडे का एंड वीकली नेक्स्ट वीक को कैसे परफॉर्म कर सकती है निफ्टी बैंक निफ्टी रेंज क्या होगा लेवल्स क्या होंगे संडे लाइव सेशन में मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता दूंगा इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ जो है पांच ही बेस्ट इंटरेस्ट स्टॉक्स के बारे में बताऊंगा मुथूट फाइनेंस के बारे में स्पेशली आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो मुथूट फाइनेंस में देखिए यहां पे क्वार्टर फोर के रिजल्ट जानना बहुत जरूरी है फंडामेंटल्स हम लोगों ने देखा बहुत अच्छा फंडामेंटल है कंपनी है नेट सेल्स इनकम फ्रॉम ऑपरेशन था तीन हजार करोड़ का मुथूट फाइनेंस का जो है यहाँ पे नेट सेल्स आप देख सकते हो तीन हजार करोड़ का है इसके नीचे आप देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकल के आई थी दैट वॉज नाइन नाइनटी सेवन क्रोड्स ठीक है यहाँ पे नाइन नाइनटी सेवन क्रोड का प्रॉफिट कंपनी ने अर्न किया है लास्ट क्वार्टर में क्वार्टर फोर में एंड क्वार्टर वन का भी जो है यहाँ जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है वो भी बहुत अच्छे आ सकते हैं इसका अनुमान है बाजार को तो यहाँ पे आज ही हम, हम लोगों ने अच्छी खासी जो है रैली देखी फ्रॉम द डाउन साइड बेसिक ईपीएस के बारे में बात करें तो पच्चीस का है 24.85 एंड पे जिसको भी के बारे में और जानकारी चाहिए आपको करना है स्टॉक्स के बारे में पूरा 360 डिग्री अपडेट आपको सिर्फ बाजार में एक ही ऐप है जो आपको पूरा 360 डिग्री अपडेट करके देती है कोई भी स्टॉक कोई भी इंडेक्स का वह है स्टॉकेज डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे मेंबर्स के लिए कोड है फिनोस हंड्रेड तो जो भी मेरा कोड यूज करेंगे फिनोस हंड्रेड आपको जो है स्टॉकेज का प्रीमियम प्लान जो आपको वैसे मिलता है चार सौ रुपये में वो आपको फ्री में मिलेगा तो इस ऑफर का लाभ उठाइए स्टॉकेज में जाइए डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में लिंक मैंने शेयर किया उस पर क्लिक कीजिए मेल आईडी को फोन नंबर को वेरीफाई कीजिए रजिस्टर कीजिए देन यूज माय कोड फिनोस हंड्रेड आपको प्राइसिंग पे आना है देन आपको स्टॉकेज प्रीमियम दिखेगा स्टॉकेज प्रीमियम पे क्लिक करने के बाद मंथली का जो प्लान है यहां पे आपको दिखा रहा है, लेकिन आपके लिए ये पूरा एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री हो जाएगा फ्री में सीखिए मार्केट्स को पहले जानिए मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ उन लोगों को जो मार्केट में गैम्बलिंग करने नहीं आते हैं सिर्फ सीखने आते हैं मार्केट्स को मार्केट को एज अ गुरु समझते हैं खुद को स्टूडेंट एंड देन सीखते हैं मार्केट से प्रॉपरली कैसे काम काज किया जाए उसकी तरीका तो जिसको भी तरीका यहाँ पे सीखना है मार्केट के बारे में और जानना है सेल्फ एनालिसिस में अगर आप बिलीव रखते हैं जल्दी से यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट्स में लिंक है वहां पे क्लिक कीजिए मेरा कोड यूज कीजिए एक महीना यूज कीजिए पहले फ्री में फ्री में यूज करके देखिए स्टॉकेज से आपको कोई मदद हो रही कि नहीं हो रही है उसके बाद यू कैन स्विच टू स्टॉकेज प्रीमियम पेड वर्जन ठीक है तो बात करते हैं मुथूत फाइनेंस मंडे के लिए कैसे परफॉर्म कर सकता है मंडे को मेरे को बिकवाली करना है मुथूत फाइनेंस रिजल्ट्स मैंने आपको बता दिया फंडामेंटल्स बता दिया लेकिन मार्केट में इंट्राडे जो चलता है ट्रेडिंग जो चलती है वो है चार्ट्स के ऊपर ट्रेडिंग के ऊपर फंडामेंटल्स का कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है ट्रेडिंग होता है यहाँ पे न्यूज एंड रूमर्स एंड ऑल्सो चार्ट टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल एनालिसिस जानना बहुत जरूरी है तो यहाँ पे मुथुट फाइनेंस मुथुट फाइनेंस को, को यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद 130 के नीचे मैंने इसको बिकवाली करने की जो है मैं आपको राय दे सकता हूं लेकिन आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर लीजिए बिफोर ट्रेडिंग इन दिस मार्केट बिकॉज आई एम नॉट योर फाइनेंशियल एडवाइजर एक के नीचे अगर मुथूत फाइनेंस आए बिकवाली कीजिए वन के नीचे बेचना पड़ेगा एक थाउजेंड फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर्टी थ्री का लेवल रहेगा जब म्यूचुअल फंड इकट्ठा बहुत सारे म्यूचुअल फंड मिलके स्टॉक को बाय करते, है, करते हैं मैनिपुलेट करते हैं ऐसे बाउंस करते हैं स्टॉक में वो वो बोलने का फायदा भी नहीं है बिकॉज इंडिया में जो है सब का न्यूज भी नहीं आता है जब तक आता है वो आपको दस पंद्रह साल पीछे फिर जाके आपको कार्रवाई करनी पड़ती है तो इंडिया में ये सब बोलने का फायदा है नहीं बिकॉज यहाँ पे कार्रवाई होती नहीं है उतना स्टॉक मैनिपुलेशन तो होता है इंडेक्स भी मैनिपुलेट होता है आज का ऑप्शन चेन डेटा देखिए प्रीमियम देखिए आपको मैं एक छोटा सा आज मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ पंद्रह हजार छह सौ का कॉल ऑप्शन का डिमेंट अकाउंट खोल के प्राइस देखिए पंद्रह हजार नौ सौ का पुट ऑप्शन का प्राइस देखिए दोनों में आपको डेढ़ डेढ़ सौ पॉइंट का गैप मिलेगा कॉल से भी हम लोग डेढ़ सौ पॉइंट ऊपर है एंड पुट से भी हम लोग जो है डेढ़ सौ पॉइंट नीचे है तो दोनों में आपको डेढ़ डेढ़ सौ पॉइंट का गैप मिलेगा लेकिन उसके बावजूद आपको जो है प्रीमियम में पचास पॉइंट का गैप दिखेगा ये क्यों है फ्यूचर्स में एंड प्रेजेंट यहाँ पे जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस है उसमें इतना गैप क्यों है ये सोचने वाली बात है ये क्वेश्चनेबल बात है तो आप लोग क्वेश्चन करते नहीं है इसलिए मैन्युपुलेशन जो है इंडियन मार्केट्स में चलती रहती है यहाँ पे डाओ में हम लोगों ने कभी नहीं देखा इतना बड़ा जो है पोस्ट मार्केट होता है पोस्ट मार्केट इंडियन मार्केट में आप देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे पोस्ट मार्केट पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो सौ पॉइंट का डिफरेंस आया पोस्ट मार्केट में ऐसा क्यों है भाई ठीक है तो ये क्वेश्चन करने वाली बात है लेकिन आप लोगों को फिनेंशियल इतना नॉलेज है नहीं आप सिर्फ यहाँ पे मार्केट में जो है जुआ सट्टा खेलने आप आते हैं आपका किसी से कोई मतलब नहीं है जैसे हो आपको सिर्फ पैसा बनाना है गैम्बलिंग करके तो ऐसे कृपया मत कीजिए फिनेंशियली जानकार बनिए और नॉलेज लीजिए मार्केट्स की एडुकेशन लीजिए मार्केट्स की मैं हर रोज कुछ नया सीखता रहता हूं मार्केट्स के बारे में मुझे कोई जरूरत ही नहीं है वी आर हैंडलिंग फाइव प्लस क्लाइंट्स देन ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू लर्न दिस मार्केट मोर बिकॉज अकॉर्डिंग टू मी वट आई नो अबाउट दिस मार्केट इज अ ड्रॉप वट आई डोंट नो अबाउट दिस मार्केट इज द ओशियन तो मार्केट एक बहुत बड़ा समुंदर है यहां पे आपको सीखने में ज्यादा फोकस करनी चाहिए वीडियो लंबा हो रहा है। लेकिन जिसको जो कनेक्ट कर पा रहे मेरे बातों से दे विल डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो जो कनेक्ट नहीं कर पा रहे दे आर गैम्बलर्स सिंपल ठीक है तो मुथुट फाइनेंस में यहाँ पे हजार तीस के नीचे बिकवाली कीजिए थाउजेंड फोर्टी थ्री का लगाइए स्टॉप लॉस नाइन नाइन एट का फुल एंड फाइनल टारगेट बनेगा ये तो हो गया इंट्राडे के लिए लेकिन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में मैं इसमें बुलिश हूं शॉर्ट टर्म मतलब छह महीने में आपको मिनिमम जो है मुथूट फाइनेंस में अगर ऐसा एक डिप भी आता है फिर इसके बाद अगर करेक्शन भी होती है तो मिनिमम आपको 1200 के लेवल्स तो दिखने चाहिए छह महीने के अंदर तो हजार के लेवल्स पे बाइंग कीजिए ऊपर आपको दो सौ रुपये का टारगेट देखने को मिल सकता है शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में ये कहीं ना कहीं चौदह सौ से लेकर सोलह सौ सो तक का ये जो रैली है स्ट्रेस हो सकती है बिकॉज एनबीएफसी कंपनी है गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है देश में अस्सी से ज्यादा का मार्केट कैप गोल्ड सेक्टर में जो गोल्ड लोन प्रोवाइड करती है और इनका बहुत सारे स्कीम्स भी है तो मुथूट फाइनेंस ओवरऑल एक बहुत अच्छी कंपनी है इसका मैनेजमेंट भी अच्छा है अगर आप ग्राउंड लेवल भी देखेंगे तो मुथूट फाइनेंस का जो है ईच एंड एवरीथिंग इज फैंटेस्टिक उनके स्टाफ आप देखेंगे बहुत पोलाइट है सब कुछ बहुत स्मूथली होता है तो बिजनेस में कहीं कोई खराबी है नहीं तो यहाँ पे आपको डिप्स पे थाउजेंड के लेवल्स पे आपको बाइंग करनी रहेगी बारह सौ का टारगेट होगा नीचे जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है नौ सौ साठ का सिर्फ चालीस का स्टॉप लॉस लगाइए शॉर्ट टर्म के लिए दो सौ का आपको ऊपर रिवॉर्ड भी दिखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए यहां पे जो है टारगेट आपका रिवाइज हो जाएगा सोलह सौ 1400, 1400 से लेके सोलह तक का टाइम फ्रेम होगा एक से दो साल उसमें आपको जो है स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा आठ सौ के करीब एट टेन का एक स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली लगाना पड़ेगा एट टेन के नीचे जाने के बाद स्टॉक का जो ये स्ट्रक्चर है वो पूरा ही बियरिश हो जाएगी कहीं कही ना कहीं धनी सर्विसेज जैसा भी हम लोग देख सकते हैं स्टॉक को तो यहाँ पे मार्केट में आपको बिल्कुल भी कॉशियसली ट्रेड करना है यहाँ पे स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली डालिए स्टॉप लॉस के साथ कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए डिसिप्लिन में काम कीजिए देखिए आपको शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में भी आपको प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग में भी इंटर में भी आपको प्रॉफिट होगा द वट इज डिसिप्लिन डिसिप्लिन आप रखते नहीं हो आपका लॉस हो जाता है तो यहाँ पे क्लियरली मैंने आपको बता दिया शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का टारगेट और इंट्राडे का भी आपको मैंने बता दिया अब आते हैं सेकेंड बेस्ट पिक जो मंडे के लिए आपको वॉच लिस्ट में एड करना है स्टॉक है भारतीय एयरटेल भारतीय एयरटेल बहुत अच्छा लगता है सिक्स के लेवल्स के लिए सिक्स का जो है यहाँ पे आपको लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस 664 फोर यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए बहुत अच्छा

देखिए मैं आपको ये संडे भी बताऊंगा लेकिन फिलहाल क्योंकि आप वीडियो को देख रहे हैं एंड बहुत लोगों ने एनरोल किया है कोर्स के लिए मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कोर्स अभी आपको जो है बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस में मिल रहा है थर्टी परसेंट ऑफ में आपको एक्सक्लूसिवली मिल रहा है एंड यही सेम कोर्स का हम लोगों ने पोल कराई थी मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में जिसपे करीब एक हजार जन ने जो है गूगल फॉर्म को यहाँ पे फिलअप किए हैं हैव शोन इंटरेस्ट इन ज्वाइनिंग द कोर्स तो अगर आपको इंटरेस्ट है सीखना है अगर आपको ऑप्शन का ब्रह्मास्त्र बिगिनिंग का वीडियो जो बिगिनिंग होता है ब्रह्मास्त्र का बिगिनिंग जो होता है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे कर दिया था तो अगर आपने देखा नहीं है कोई बात नहीं आई बटन पर मैं डाल दूंगा ऑप्शन ट्रेडिंग का जो ब्रह्मास्त्र द तो बिगिनिंग तो बिगिनर्स के लिए जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी डाल दिया है जो लोग इस वीडियो को देख के कुछ भी नॉलेज लिए मुझे पता है आपको प्रॉफिट आप जो ऑप्शंस में आपको प्रॉफिट सी हो रही होंगी ये आपका एडवांस लेवल का कोर्स है ये बेसिक्स लेके एडवांस आपको कैसे ऑप्शंस में डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करनी है ताकि आपको कभी ना लॉस हो सके देखिए ऑप्शंस आपका ऐसा एक टूल है जिसमें आप राइट टू बाय राइट टू सेल दोनों आप कर सकते हैं मार्केट ऊपर भी जाएगा तो भी प्रॉफिट मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो भी प्रॉफिट ऑप्शन सेल करके हम लोग प्रीमियम ईट कर सकते हैं मार्केट नीचे जाएगी तो भी हम लोग पुट खरीद के प्रॉफिट बना सकते हैं तो तीनों कंडीशन मैच करती है ऑप्शन में इसीलिए ऑप्शन का जो है दिन ब दिन वॉल्यूम जब मैंने पहली पहली बार मार्केट में जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट की थी ऑप्शन में तब आपको विश्वास नहीं होगा चेंज चेन डेटा में ये जो फिगर है ये थ्री फोर फिगर में शो करता था अभी देखेंगे तो अभी सिक्स फिगर कभी कभी सेवन फिगर भी चला जाता है इक्कीस इक्कीस लाख लोग यहाँ पे कॉल कॉलपुट खेल रहे हैं ठीक है तो ये कभी कभी एक करोड़ भी नंबर चला जाता है कभी कभी डेढ़ करोड़ भी चला जाता है तो इतने ह्यूज वॉल्यूम के साथ हम लोग देखे हैं कि ऑप्शंस का जो है डेटा बढ़ते जा रहा है दैट मींस पीपल हुआ इंटर ट्रेडिंग इन इक्विटी राइट नाउ दे है ऑप्शन में पैसा बना रहे हैं इक्विटी में सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी एंड यहाँ पे डेटा जो है ऑप्शन का बढ़ते जा रहा है तो इसीलिए मैंने ये बहुत बड़ी जो कोर्स है जो मैंने खुद मार्केट में रह के मैंने सीखा किताबें पढ़ के मैंने सीखा है पूरा मैंने सिम्पलीफाइड लैंग्वेज में आपको फ्रॉम द बिगिनिंग फ्रॉम द बेसिक टू एडवांस मैंने सिखाने की कोशिश की है तो जिसको भी ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में लिंक है फिनोस्टार्ट के मेंबर्स के लिए स्पेशल कूपन है आप कांटेक्ट कर सकते हैं नाइन एट जीरो फोर सेवन फाइव सेवन सिक्स डबल वन पे आपको जो प्राइस यहां पे मिल रहा है दैट इज ऑलरेडी डिस्काउंटेड सेवन वन एट थ्री रुपीज में आपको ऑप्शंस का पूरा छह महीने का पैकेज मिल रहा है जाइए और सीखिए कोर्स में एनरोल कीजिए प्री रजिस्टर ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा पिन कमेंट्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा आते हैं थर्ड इंटरडेड स्टॉक में दैट इज जेएसडब्ल्यू स्टील मंडे के लिए तीसरा जो स्टॉक है देखिए कल भी मैंने आपको जेएसडब्ल्यू स्टील दिया ट्रिगर हुआ नहीं थोड़ा बहुत हुआ प्रॉफिट आपका बना लेकिन मंडे के लिए मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है स्टील सेक्टर में या तो हम लोग बाइंग में इंटरेस्ट दिखाएंगे 585 के ऊपर जे स्टील अगर 585 के ऊपर निकल जाती है आपको टारगेट मिलेगा पंद्रह पाँच सौ नब्बे एंड 600 ये तीन टारगेट्स आपको बाइंग साइड पे देखने को मिल सकते हैं और अगर नीचे गिरावट होती है तो ये सेल ऑर्डर फिर से ट्रिगर हो जाएगा लेकिन सेलिंग आपको करनी है 560 के नीचे ही तो इस लेवल्स को समझिए गैप को समझिए देखिए क्यों मैंने ये लेवल दिया है कुछ इसके पीछे कारण लॉजिक जरूर है इसीलिए मैंने ये गैप आपके लिए दिया है 560 का जो है नीचे ही आपको JSW स्टील को शॉर्ट करना है मंडे के लिए 566 का इसका जो है लॉस लगाइए 556, 560, आ, 5, फिफ्टी टू एंडी ये तीन टारगेट्स के लिए आपको जो है JSW स्टील में जो है करनी है बिकवाली ठीक है फोर्थ पीक रहेगा यूपीएल यूपीएल में आपको करनी है बाइंग यूपीएल बहुत अच्छा लगता है मैंने ऑलरेडी ईयर के स्टार्टिंग में बता दिया था टेक्सटाइल सेक्टर फर्टिलाइजर सेक्टर एग्रोकेमिकल सेक्टर बहुत अच्छे चलेंगे लेकिन यहाँ भी यहाँ पे यूपीएल में आपके लिए एकोमुलेशन का टाइम है सिक्स फोर्टी फाइव के ऊपर अगर आपको ट्रेड करते हुआ दिखे देखिए पहले मैं बता रहा हूं मार्केट अगर गैप डाउन हो गया मंडे को ट्रेड को अवॉइड कीजिए बिकॉज उस केस में लेवल्स मैच नहीं करेंगे लेकिन अगर 645 के ऊपर मंडे को ट्रेड करे यूपीएल में तुरंत बाइंग के लिए आप जा सकते हैं 637 का आपको लगाना है स्टॉप पांचवा जो पिक रहेगा दैट इज बजाज फाइनेंस बजाज फाइनेंस में आपको बाइंग करनी रहेगी हाँ फाइव सिक्स टू जीरो स्टॉक है दाम भी इसका बहुत ज्यादा है बहुत देख के रिस्क मैनेजमेंट समझ के आप क्वांटिटी में ट्रेड कीजिए 5620 का जो प्राइस इसका है बहुत बेस्ट प्राइस होता है बाइंग के लिए 5620 सिक्स 56 ट्वेंटी पे लीजिए 5500 का लगाइए स्टॉप लॉस 5680 5740 5810 ये तीन बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन द अपसाइड तो वन एस तो टू का रिस्क रिवार्ड है जिसको भी रिस्क मैनेजमेंट समझ में आता है इन स्टॉक्स में आप ट्रेड कर सकते हैं हाई बीटा स्टॉक होता है प्रॉफिट भी आपको उतना ही मिल जाता है ठीक है पांचों के पांचों मैंने आपको स्टॉक के बारे में बता दिया निफ्टी बैंक निफ्टी का जो है एनालिसिस मैं आपको संडे संडे लाइव सेशन में मैं आपको बता देता हूँ वीकली एनालिसिस तो जल्दी से चैनल का मेंबर बन जाइए अगर आपको यहाँ पे वीकली एनालिसिस में पार्टिसिपेट करना है जल्दी से चैनल में जो है यहाँ पे ज्वाइन कीजिए ज्वाइन बटन दबाइए एंड लाइव मार्केट में मेरे साथ इंटरेक्शन करने का मौका पाइए ठीक है तो गाइस आज के लिए पूरा अपडेट इतना ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फिर मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में